प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल से पहली खबर, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन जोरदार हंगामा सदन में देखने को मिला है। जीतू पटवारी को मारने दौड़े मंत्री ओपीएस भदौरिया। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे मंत्री विश्वास सारंग ने बीच रास्ते में ही रोका। जीतू पटवारी के आरोप पर मंत्री हुए आग बबूला। जीतू पटवारी ने सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, इवेंट मैनेजमेंट में अरबों खर्च कर रही है सरकार। सरकार के 40 करोड़ से बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को कराया भोजन। बड़ी जानकारी, बड़ा आरोप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, सरकार के 40 करोड़ से बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को भोजन करवाने का भी आरोप लगाया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला है, और जिसके बाद जीतू पटवारी ने बताया जा रहा जीतू पटवारी को मारने दौड़े ओपीएस भदौरिया। मंत्री विश्वास सारंग ने बीच रास्ते में रोका। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लोकतंत्र के मंदिर में इस तरीके की रवैया क्यों? लोकतंत्र के मंदिर में अगर माननीय ही बेकाबू हो जाएंगे, अनियंत्रित हो जाएंगे, भाषा की मर्यादा भूल जाएंगे, शारीरिक संयम भूल जाएंगे, ये तो सवाल उठेगा कि आखिरकार इस तरीके से क्यों किया जा रहा है। तो जीतू पटवारी, मंत्री विश्वास सारंग ने बीच रास्ते में उन्हें रोक लिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जहां पर जनता जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है इसलिए कि आप वहां से एक कानून बनाइए, आप एक सार्थक चर्चा कीजिए जिससे लोगों की दिक्कतें दूर हो। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश जैन भोपाल से सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे समझेंगे। ब्रजेश, क्या हुआ था आज? बिल्कुल, देखिए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान माननीय बेकाबू होते नजर आए ओपीएस भदौरिया जीतू पटवारी के एक बयान से इस कदर नाराज हुए कि वो आपक हो बैठे और बेकाबू होकर जीतू पटवारी की तरफ लपके। हालांकि कुछ अप्रिय घटना घटती इससे पहले ही बीच में बैठे मंत्री विश्वास सारंग ने उन्हें हाथ पकड़कर रोक दिया। दरअसल जीतू पटवारी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए सौरभ तमाम आरोप जो हैं वो बीजेपी सरकार पर लगा रहे थे कि किस तरह विज्ञापन और ब्रांडिंग पर अरबों खरबों खर्च किए गए हैं, और ये भी आरोप जीतू पटवारी ने सत्ता पक्ष पर लगाया है कि 40 लाख रुपए की लागत से पिछले एक साल में सरकार ने सरकारी खर्च से बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को भोजन कराया है। इस आरोप के बाद मंत्री ओपीएस भदौरिया जो है वो उखड़ गए, नाराज हो गए और जीतू पटवारी की तरफ लपके। हालांकि बाद में इस बात की, उनके इस व्यवहार की निंदा भी की गई है सदन द्वारा, और अध्यक्ष ने भी इस व्यवहार को ओपीएस भदौरिया के निंदनीय बताया है। फिलहाल हंगामा हुआ, हंगामे के बाद अभी जीतू पटवारी जो है वो अपना आरोप पत्र लगातार पढ़ रहे हैं। जी ब्रजेश, आप भी लगातार राजनीति पर नजर बनाए रखते हैं और बहुत समय से आप राजनीति को कवर भी कर रहे हैं, लेकिन आपने शायद, मैंने भी पहली बार देखा सदन के अंदर किसी के ऊपर मारने के लिए दौड़ जाना। ठीक है, लोग फाड़ देते हैं, पेज फाड़ देते हैं, लेकिन इस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में जब होने लगेगा ये तो सवालिया निशान खड़े होंगे। भाई आखिरकार जब वहां पर लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है, मारने के लिए आप दौड़ रहे हैं, तब कहां कोई सुरक्षित है? बिल्कुल, देखिए हंगामा और शोर शराबा सदन के अंदर आम बात है। जरा जरा सी बात पर जो विधायक हैं वो हंगामा और बखेड़ा खड़ा करते हैं, कोई कुर्ते फाड़ता है, कोई बिल की कॉपी फाड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर सामूहिक जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की होती है जब वो सदन के अंदर होता है, और मंत्रिमंडल का अगर कोई सदस्य इस तरह की हरकत करे तो वाकई ये शर्मसार कर देने वाली हरकत है। सदन की गरिमा को भी ठेस इससे पहुंचती है और लोकतंत्र को भी ठेस पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं ओपीएस भदौरिया ने जो व्यवहार आज किया है वो वाकई निंदनीय है। विपक्ष चाहता था कि निंदा प्रस्ताव उनके इस व्यवहार के खिलाफ लाया जाए, लेकिन अध्यक्ष ने पहले ही उनको ओपीएस भदौरिया के इस व्यवहार को निंदनीय बताकर मामले को शांत करा दिया। हालांकि लगातार जो आरोप पत्र है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी चल रही है, लेकिन ओपीएस भदौरिया की ये जो हरकत है उसकी निंदा जरूर की जाएगी। चलिए ब्रजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जिस तरीके से ये हुआ वो ठीक नहीं हुआ है। लोकतंत्र के मंदिर के अंदर यानी सदन के अंदर इस तरीके की वाकया न